पुण्य के रंगभूमि मैदान में विश्व शांति, विश्व कल्याण एवं संसार से विघ्न बाधाओं को मिटाने के उद्देश्य से भागवत कथा महाज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन कथा वाचन हो रहे हैं। और इस यज्ञ में शामिल होने के लिए दूर से कई कई ख्याति प्राप्त साधु संत एवं प्रवचनकर्ता पूर्णिया पहुंचे हैं, जिनके द्वारा भागवत कथा ज्ञान का वाचन किया जा रहा है। इस दरमियान कथावाचक नीलमणि दास ने कहा कि यज्ञ के माध्यम से समाज में शांति स्थापना करना, विश्व कल्याण के लिए कामना करना, दुनिया से नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करना और एक अच्छे समाज का निर्माण करना उनका एकमात्र मकसद है, ताकि समाज की तरक्की से हम अपने देश दुनिया की तरक्की कर सकें। नीलमणि दास ने इस दरमियान कहा कि वे चाहते हैं कि हमारा देश सभी क्षेत्रों में इस तरह से सकारात्मक तरक्की करे, जिससे भारत पुनः सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि सोने का शेर बनकर विश्व मानचित्र पर उभर सके। इस यज्ञ में 108 हवन कुंज बनाए गए हैं, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त हवन कर रहे हैं। समस्त पूर्णिया वासियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये जो पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में आपके सामने ये 108 कुंडिया महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है समाज में शांति स्थापित हो और समस्त प्रकार के जितने भी विघ्न बाधाएं पूर्व में आई हैं उनका निदान हो। और इस यज्ञ के माध्यम से हम सभी विश्व कल्याण की कामना करते हैं और समस्त विश्व जो है एक साथ मिलकर के एक स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर हो। इस यज्ञ के माध्यम से हम यहाँ पे समस्त ब्राह्मण और जितने भी तीर्थों का आवाहन किया गया है, देवताओं का आवाहन किया गया है, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम एक स्वर्णिम समाज बनाएं, एक अखंड समाज बनाएं, जो हमारे नई पीढ़ी को एक सही दिशा दे, मार्गदर्शन दे। और हम सब मिल करके जो पूर्व में कहा गया था कि भारत हमारा सोने की चिड़िया है, उसको हम सब मिल करके एक अखंड भारत बनाएं और उसको सोने की चिड़िया से सोने का शेर बना दें। अच्छा, ये कह रहे हैं आपने कहा कि विघ्न बाधा जो भी है उसको नष्ट करने के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है, क्या यज्ञ से विघ्न बाधा रियल में नष्ट हो सकता है? जी, इसमें जितने भी सनातन धर्म पे अभी विश्व में अनुसंधान हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान भी इस पे उपलब्ध है कि यज्ञ जो है संपूर्ण वायुमंडल में मौजूद जितने भी विषाणु हैं, जितने भी प्रदूषित गैस हैं, उनको शुद्धिकरण करके वायुमंडल को पवित्र बनाती हैं। और जब हम वायुमंडल को पवित्र रखेंगे तो कोई भी रोग, कोई भी विकार हमें ग्रस्त नहीं सकता। और जब हमारी प्रजा समृद्ध रहेगी, निरोगी रहेगी, तो उसकी ओज और तेज में वृद्धि होगी और तभी एक समृद्ध समाज का निर्माण हो सकेगा। तो क्या माने कि जो हॉस्पिटल वगैरह है उसके जगह पर यज्ञ ही होना चाहिए? यज्ञ जो है अनादि काल से चला आ रहा है और हर काल में आप जब अध्ययन करेंगे अपने पौराणिक इतिहास का, तो आप पाएंगे कि सतयुग से लेकर त्रेता तक हमारे पास एलोपैथी की विधा नहीं थी, पूर्व में आयुर्वेद ही होता था। और जब आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे तो महर्षि चरक, महर्षि वांगभट, महर्षि सुश्रुत, ये इन्होंने कई यज्ञ विज्ञान के ऊपर पुस्तकें भी लिखी हैं। और जब उन पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे तो आज के दिन में रूस में, जर्मनी में उसी यज्ञ विज्ञान को होमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो आप जब उसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि यज्ञ के माध्यम से कैसे समस्त समाज शुद्धता की ओर अग्रसर होता है और समाज ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड इससे ओजस्वी और तेजस्वी बनता है। अच्छा, विघ्न बाधा जो है वो एक तरह से नेगेटिव ऊर्जा है, क्या नेगेटिव ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है? निगेटिव ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट किया जाता है यदि सबकी ऊर्जा, सम्मिलित ऊर्जा, समन्वयित ऊर्जा, उसमें जो है हम लोग एकजुट होकर के डालें। क्योंकि अगर हम कोई संकल्प लेते हैं और उसको आज के दिन में जैसे आप कोई भी उद्देश्य करते हैं, कोई नेता सरकारी बनाता है, उसको बहुमत की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बहुमत की शक्ति किसी चीज़ में नहीं डालेंगे तो फिर हम किसी भी उद्देश्य हो, कोई भी उद्देश्य हो, उसको हम सफल नहीं बना सकते। सर, बहुत लोग तो ये कहते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको संतुलित किया जा सकता है और संतुलित करना ही ज़्यादा बेहतर है, और आप कह रहे हैं कि उसको नष्ट किया जा सकता है। संतुलित हर युग में किया गया है, किंतु नष्ट करने का विज्ञान जो है वो जो है कोई समाज में लेकर के शुद्ध रूप से नहीं अभी तक आया है, क्योंकि ये पूर्व की बातें हैं युगों में। और अगर हम शास्त्रों में देखें
तो चर्चा आती है कि भगवान इस धरती पे क्यों अवतरण लेते हैं। भगवान अवतरण लेते हैं उनका एक ही उद्देश्य है, धर्म स्थापना। तो बीते जितने भी युगों में भगवान ने अवतरण लिया तो वो धर्म को संतुलित करके गए, अधर्म को संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया। किंतु कलयुग का जो वर्णन है, जब आप कल्कि पुराण का अध्ययन करेंगे तो भगवान ने कलयुग को इसीलिए बनाया है ताकि वो साफ पाप, समस्त पाप विकारों का समूल नष्ट करके पुनः कालचक्र में सतयुग की स्थापना कर सकें। तो सतयुग की जो जनसंख्या है वो 144,000 है और कलयुग की जनसंख्या जो है वो 7 अरब है। तो लेकिन पूरी तरह से तो नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट कभी नहीं किया जा सका है, ऐसा लगता है कभी किया गया किसी भी युग में? ये 28वां कलयुग चल रहा है और इससे पूर्व जितने भी 27 कलयुग में पौराणिक इतिहास है उसमें 27 कलयुग का जब आप अध्ययन करेंगे तो समय काल में एक ऐसा भी समय आ रहा है, ना इस ब्रह्मांड में सात्विकता थी ना नकारात्मक ऊर्जाएं थी, ठीक है ना। तो नकारात्मक ऊर्जा आई कहाँ से, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो सतयुग से जनसंख्या की वृद्धि हुई और संसाधन घटते चले गए। तो जिस भी भाग में संसाधन घटा उनके ऊपर जो है दबाव बढ़ा और उन्होंने हिंसा का मार्ग चुना। जिनको जो क्षेत्र मिला, जो पहाड़ी क्षेत्र में गए वो अंग्रेज के नाम से जाने गए, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में जिनका उद्भव हुआ वो इस्लामी के नाम से जाने गए। चूँकि हमें प्राकृतिक क्षेत्र मिला इसीलिए हम लोग सनातनी हुए, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन की संपन्नता थी, इसीलिए हम लोग नकारात्मकता की तरफ नहीं गए, कोई भी हिंसा की तरफ नहीं गए।